हाँ जी, क्या कह रहे हो? बेटा है जहाँ से मुझे सूरज है माल, जहाँ से मुझे आई थी तो उस वक्त तो ना नजर को मानते थे तो अल्लाह भी खो बैठे थे, मेरी लड़ाई थी अल्लाह के साथ। अच्छा फिर तो बेटा सोलह साल से बोलता नहीं बचपन से थोड़ी सी कोई बात कर ली तो वो दरवाजा माँ के हो जाना, तो वो मैं और अकबर, तो मुझे तो यही समझ आया कि उसी में फंसी हुई हूँ। उसको ऑटिज्म भी है, स्पीच एंड लैंग्वेज, सीवियर स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर भी है। तो कुछ साल बाद उसके हार्ट में भी होल बता रहे थे और काफी चीजें, मैं अभी यानी 16 साल की जर्नी है, मुझे नहीं लगता ऑटिज्म वहाँ पे ज्यादा क्यों है, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, लैटिन अमेरिका उन कंट्रीज में ऑटिज्म एडीएचडी बहुत ज्यादा है। धूप में अगर मेरे अमल से हट के बात की जाए, एक वहाँ धूप बहुत कम है, नहीं नहीं कोई धूप शूप का चक्कर नहीं है, और हमारे अपने अमाल है क्योंकि मेरे पेरेंट्स की सेपरेशन हुई, उसमें ये हुआ कि हमें वो के बच्चों को यही होता है ना, चाहे हम कितने ही बड़े हो जाए, इसीलिए शैतान बड़ा खुश होता है, पार्टी तो बनना होता है ना, हमें हमें तो मुझे ये रियलाइज हुआ आपकी बातें सुन के, रहमान सुन के। उससे पहले तो मेरी अपनी लड़ाई थी कि नहीं अल्लाह कैसे दिन साफ कैसे हो सकते, ठीक है मैंने कोई अमल किया, सॉरी टू से अगर मैं किसी को बोदर कर रही हूँ, नहीं नहीं कि अल्लाह तो अगर मेरे कोई अमल है मेरे बच्चे को कैसे बोलना पड़े, तो ये क्वेश्चंस बड़े थे। तो फिर मेरे लिए मुझे अब यही लगता है कि चक्कर भी बड़ा था, फिर वो बात करते हैं कि रात भी कोर्ट खिली नहीं, तो सारा लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा होता है, ये सवाल वो खुद आपके अंदर डालता है और उसको पता होता है कि ये फंसा हुआ है, बड़ी जगह पर फंसा है अल्लाह ने, लेकिन वो फंसने के लिए भी वो एक स्टेज अल्लाह ने छोड़ी कि कोई भी नहीं था, तो वो आवाज कानों में गूंजी के है, पता है कोई तेरा मेरे सिवा, वो जिन जिन के लिए लड़ झगड़ के अपनी जान मार के बीमार रहे कि कोई एक बीमारी मुझे नहीं, ये नहीं कि कोई एक बीमारी थी, पता नहीं है, मैं वही बता रही हूँ मैं कितने सेशंस में आ रही हूँ और मेरी एक नई स्टोरी होती है हर दफा। तो उसमें ये था कि बस वो बेटे का मुझे पहले वीडियो आई थी कोई मई में, तो उसमें ये सबसे पहले वो बात ये थी क्योंकि उनको पता था मैं बड़े डॉक्टर्स के पास गिरती थी जाती थी और हार्ट ले लेके जाती थी कि दिल में मसला है इसी जी ठीक आ जाती थी, समझ नहीं आती थी और मैं बिल्कुल बेड से उठ नहीं सकती थी, और मैं ये सफ़र ये जो 5 घंटे का अभी करके आती हूँ इस्लामाबाद से, मैं मेरी जर्नी शुरू हुई यूके से, तो यूके से आना मेरे लिए ऐसे था कि नहीं मैं तो कभी नहीं छूट के जाऊँगी, वहाँ का सिस्टम और वहाँ की एक लाइफ और कोई आपको बॉदर नहीं करता है, ये जो फैमिली पॉलिटिक्स एंड झमेले वो ऐसे लगता है कि आप अपने आप को फेंक दो एक साइड पे, ना कोई मसला होगा तो ना पता नहीं है, तो लेकिन अब मेरा दिल इधर लग गया जाने का, वहाँ वापस दिल नहीं करता, इस्लामाबाद में आके घर लिया है, सब कुछ है अल्लाह का बहुत शुक्र है आज से बहुत टाइम से, लेकिन ये है कि अपने अमाल जब खराब होना शुरू हो जाते हैं वही यही बात है और ये हक है कि बच्चे बीमार नहीं होते, माँ बाप बीमार होते हैं, जब हम अपने माँ बाप के आगे इतनी लंबी लंबी जुबानें चलाएं, चाहे वो ये नहीं पता कि उनका दिल किस बात से हर्ट हो जाए, हमारे वो इतने सेंसिटिव इतने वो साबिर, लेकिन मेरी नज़र में था कि बस अम्मी के साथ इन्होंने ज्यादती क्यों कर दी, लेकिन वो उन दोनों का मुझे ये समझ आया कि दोनों का आपस का मामला था, हु द हेल आई एम टू क्वेश्चन माई ओन डैड,
मेरा उनके सामने क्वेश्चन का, क्योंकि अल्लाह नहीं था दरमियान में, जब अल्लाह ही नहीं था तो आपस में टकरे मार मार के तो जिस्म का कोई सेल बाकी बचा ही। फिर अब सबको माफ कर दिए, माफ करने क्या करना है, लेकिन वही हमारी अकड़ी है, मुझे यही लगता है अकड़ी है माफ का, हमें लगता है हमने माफ करना। वो जो 25 सितंबर वाली जिस वीडियो का ये भी जिक्र कर रही है ना, टेलीफोन कॉल का, वो नाहिद अब्बास साहब जो अमेरिका से बोली थी कि मुझे स्टेज 4 कैंसर था और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया अमेरिका में, तो 2019 में, तो मुझे बता रही थी, वो भी कह रही थी कि आपसे डांट पड़ी थी तो मैं डरती, पाकिस्तान आके भी नहीं मिली आपको और दो बार, लेकिन वो इतना खूबसूरत बोली हुई हैं कि मुझे लगता है उन्होंने मुझे दुआ करा दी थी। तो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं सोल सर्चिंग करना, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ जिसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, वो सारी उन्होंने अपना गिरेबान पकड़ा। जैसे वो कहती हैं कि मुझे अल्लाह ने, मैं अल्लाह से डूब के दुआ करती थी और मेरे सामने कोई ना कोई चैप्टर खुलता था और मैं अपनी नज़रों में शर्मिंदा हो जाती थी कि नाहिद, मैं एक, वो बड़ा क्यूट था उनका, कि तूने पैसे दिए, तेरे पास अल्लाह ने इतना पैसा था तेरे पास, तो तूने पैसे देते हुए जताया उस बूढ़ी औरत को और इतने रिश्तेदारों में जलील किया फलां वक्त पे, और फिर मैं पाकिस्तान गई स्पेशली इस काम के लिए, उस औरत को उन्हीं रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, पता नहीं खाने पे या फंक्शन पे, और उस भरी महफिल में अचानक उस औरत के पाँव में बैठी और इतने सालों पुरानी उससे माफ़ी मांगी, और इतनी मांगी कि वो औरत रोना शुरू हो गई और दोनों गले लग के रोती रहीं, और उन्होंने कहा ना सिर्फ मैंने तुम्हें माफ़ किया बल्कि तुमने तो मुझे शर्मिंदा ही कर दी है, ऐसी कोई बात नहीं, वैसी कोई बात नहीं, लेकिन ये वो अमल है, ये एहसान करके जो जताना है ना, एक है ना एहसान फरामोशी जो शिमर ने की, एक है एहसान जताना, ये भी शिर्क ही है। आपने कुछ नहीं किया यार, अल्लाह ने आपको तौफीक दी, आप एक बीच में डाकिए थे, आपने किसी का भला कर दिया, ठीक है। अब इन्हें जब एहसास हुआ तो इन्होंने उसको भरी महफिल में, जो भी उन्होंने उस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि मैंने उस बूढ़ी औरत को, या कोई रिलेटिव थी उनकी क्लोज या जो भी थी, कि मैंने उसको सबके सामने बेइज्जती किया था, ये ह्यूमिलेट किया था या जताया था, पैसे दिए सबके सामने या कुछ भी किया होगा, अब उन्होंने वही सिचुएशन क्रिएट की, उन्हीं रिलेटिव्स को इकट्ठा किया जो जिनके उनके ख्याल में कि वो उन्होंने गलती की थी, और उनकी मौजूदगी में अपने आप को मुजरिम भी गर्दाना, माफ़ी भी मांगी, अपनी अना को तोड़ा, इसे आप तज़किया नफ्स कह लें, और हालांकि वो मजबूरी में कर रही थी, यानी अपनी बीमारी की मजबूरी में, लेकिन वो दिल से शर्मिंदा थी, वो थी दिल से शर्मिंदा, उन्हें अब ये नहीं चाहिए थे वो ठीक होती होंगी, नहीं ठीक होती, मर जाऊंगी या नहीं, स्टेज 4 कैंसर था, और ये एक काम नहीं किया, वो तो बड़ी खूबसूरत बोली हुई है, मैं बड़े मज़े लेता हूँ उसको, मैंने कई लोगों को रिकमेंड करता हूँ आपके 25 सितंबर वाली हाउ अमेरिकन लेडी क्योर्ड फ्रॉम स्टेज 4 कैंसर, मैंने कैप्शन किए, उसमें उन्होंने जितने ज़्यादा स्टेप्स अपने सोचे और जगह जगह जा जा के लोगों से माफ़ियाँ भी मांगी, रेक्टिफाई किया चीज़ों को, अपने आप को शर्मिंदगी में काफ़ी ज़्यादा आइंदा के लिए जैसे कह लें कि समझाया या सच्चे दिल से तौबा की, और फिर जहाँ कोई नेकी कमाने का मौका मिला वो भी किया, और डॉक्टर साहबान हैरान हो गए उनके स्कैन देख के सारे के, जी आप मिरेकल खातून हैं, मिरेकल पेशेंट हैं, आप ठीक कैसे हो गई हैं, कैंसर कैसे ठीक हो गया, क्योंकि हमारे लिए डॉक्टर्स के लिए, या जो कराची वाली खातून जो 8 साल से डायलिसिस पे हैं और थ्राइस अ वीक डायलिसिस करा रही थी, अब उन्हें जूँ ही याद आता है कि वो अपनी सगी ब्लड रिलेटिव को माफ़ नहीं कर रही जिन्होंने वाकई उनसे ज़्यादती की थी या जो भी किया होगा, वो मर चुकी थी, और मैंने तो वैसे ही हिंट दिया एक जनरल टर्म में, अब उन्होंने उसे पिक कर लिया और अल्लाह से रो रो के माफ़ियाँ मांगती नहीं, उनके लिए भी कुछ सदका खैरात भी करती नहीं, बेचारी फौत हो चुकी थी, और ख़ुद इनको यूरिन आना शुरू हो गया 8 साल बाद, जो मेडिकली पॉसिबल नहीं है ना, मेडिकल में उसका इलाज नहीं है, ठीक। अब डॉक्टर्स ने मानने से इनकार किया तो डॉक्टर्स उनको बुलाते रहे कि नहीं आपका डायलिसिस होगा, 2-3 बार ट्राई भी किया डायलिसिस करने का, तो उनकी प्रेशर्स फॉल कर जाते थे, तबीयत ख़राब होती थी, बुखार होता था, आखिरकार डॉक्टर ने उनके टेस्ट वेस्ट सारे करके आखिर कह दिया जी हम आपका लिस्ट से नाम काट रहे हैं, और ये कोई मिरेकल हो गया जो आपको यूरिन आना शुरू हो गया 8 साल के बाद,
या बल्कि यहाँ तक भी एक डॉक्टर ने कहा कि शायद 8 साल से आपका डायलिसिस ही गलत होता रहा है, किसी जिस डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया था पहले उसके नोट्स निकालें, उसके पास वापस जाएं और उसे पूछें कि उसने कहीं गलत तो नहीं डायलिसिस करा दिया, विच इज़ नॉट पॉसिबल, आलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल 8 साल डायलिसिस इस तरह होता रहे, वो वैसे भी किडनी का सत्यानाश, बॉडी का सत्यानाश हो जाता है। लेकिन वो माशाल्लाह ठीक ठाक। तो मेरी बातें कोई ज़ाती बातें नहीं है, मैं कुरान ही का मैसेज, अल्लाह का मैसेज, ये बाबा जी ने जिसको हलवा बना के हमें पेश कर दिया, ठीक है यार इसको 7 दिन सुन लो, दुआ कर लो, और साथ हंस के कहते थे 7 दिन तो तुम्हें पक्का करने के लिए है, होने वाला काम तो सेकंड के 1000वें हिस्से में हो जाता है अगर वो बंदा हजूरी हासिल हो जाए सही, नमाज कायम होते साथ ही बीमारी क्या मसला क्या भाग जाता है। समझ नहीं आती थी यार सेकंड के 1000वें हिस्से में कैसे हो सकता है, वो यू टर्न सेकंड के 1000वें हिस्से में आता है, जो ही आप जिस तरह आप वो लाइव वायर को पकड़ लें अगर, ठीक है खंबे की बड़ी तार गिरी हुई हो आप पकड़ लें तो आप डायरेक्ट मंगला डैम तक कायम हो गई नमाज आपकी, ठीक है बाकी बीमारियां तो गई, वो 19,000 जो शाहजी कप का जिक्र करी जा रहे थे 19 लिखा गया है, तो अल्लाह का सिंबल वो उसका अदद है, वर्ड है गॉड, तो वो 19 वो बोल रहे थे इल्म उल अदाद के हिसाब से शायद। लेकिन बिजली की तार को जुड़ते साथ ही आपका होता है ना ऐसे किबला काबा सीधा हो जाता है, ठीक है इसी तरह उस रब की तरफ अगर वाकई आपको हजूरी हासिल हो जाए सही, आप उसके आगे गिर जाएं सही, आप उसके आगे सरेंडर कर दें सही, ठीक है आप मान जाएं अपने आप को, अपनी पहचान आपको हो जाए सही कि यार मैं क्या हूँ, ये मैं क्या कर रहा था, ठीक है तो वो आपके अंदर बैठा होता है और अंदर से उसी वक्त वो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, उसके बाद कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स भी आते हैं साथ ही, आप एक दिन का बेबी होते हैं, सारा डाटा डिलीट होता है, ठीक है लेकिन हम खामद को ही माफ़ करने पे तैयार नहीं है, बल्कि मेरे से बहस हो जाती है बच्चा उधर बुखार ना 6वीं बारी दाखिल हो अस्पताल, डॉक्टर साहब तो आप कहते हैं माफ़ करें, वो तो हमें बाबा जी के फलाने काके मिले थे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से बीच में डाल दिया माफ़ करना, बाबा जी ने कोई नहीं कहा था, तो मैंने कहा जी उन्होंने कुलू सूरह रहमान सुनी जाओ, वो तो मैंने कितनी बार सुनी है बच्चा नहीं ठीक हो रहा, मैंने कहा फिर सुनी जाओ, ठीक है बाबा जी ने ये भी नहीं कहा था कि माफ़ ना करना, ठीक है यानी बहस भाई बहस है, बात को समझने की बात है, फ़कीर की बात जो है वो जिसको जितनी समझा दे या जिस पे अल्लाह खोल दे, ठीक अब वो लफ्ज़ तो बोलते थे अपने अपने दिल साफ़ करके सबको माफ़ करके अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होके उसके आगे पेश हो जाए, कई बार कहते अपनी गलतियों पे फ़ख्र करके पेश हो जाओ, ठीक है जितनी फ़िरौन क्लास होती थी उनको तो कहते अपनी अपनी गलतियों पर फ़ख्र करके पेश हो, अभी इसमें कोई शक नहीं है कि वो अल्लाह ने उस बंदे को वो फरासत दी हुई थी कि जहाँ शराबी कबाबी डांस पार्टी हो रही होती थी वहाँ जाके वो सूरह रहमान नहीं लगाते थे, वहाँ वो अपनी मर्ज़ी की काकी जिसको सारी ताड़े होते थे उसको जाके अचानक उसके कान में ही को फूंक मारते थे कि काकी तू ज़रा उधर म्यूज़िक बदलता था, दम मस्कलंदर लग जाती थी, शामे कलंदर लग जाती थी, ऐ वहीं को हाड़ आवे मैं जैसा ये शबाशा सब म्यूज़िक बदलते रहते हैं, ठीक है वो म्यूज़िक उधर बदलता था वो काकी डांस में तो डांस हो रहा होता था, बाबा ने कहना वाह काकी सोनी का पाँव देखो, अब वो पाँव जिस बीट पर उठ रहा होता था, ठीक है वो कई गिलास तोड़े उसे दीवारें में टकरे मार रहे उसे चीखें मार रहे होते गिरेबान फाड़ रहे थे, डिप्लोमेट्स का मैंने फ़ौरन डिप्लोमेट्स का ये हाल देखा, ठीक है चीखो पुकार लगता था कि इसे पता नहीं की हाहाकार मर गई है, और बाद में अगले दिन पता लगा जी सारे ने पक्के दिल ना तोबा करके बैठे ने हाजी बगलोल हो गए ने सारे, पता नहीं वो काकी क्या करती थी, वो रिफ्लेक्टर ऐसा होता था वो बीम कहाँ जाके लगती थी, तो हम जैसों को जिस वक्त थोड़ी ज़्यादा चढ़ती थी ना कि मैंने इतनी दुआएँ कराई हैं ना कैंसर ठीक हो गया ना, मैंने दुआ कराई तो ये हो गया ना, मैंने दुआ कराई वो हो गया, तो बाबा जी को गुब्बारे में से हवा निकालनी बड़ी अच्छी आती थी, तो वो इसी तरह की किसी जगह अचानक ले जाते थे जगह पे, वहाँ आगे हमारी नज़र में सो कॉल्ड शो बिज की लड़की जो है वो मुजरा कर रही है, ठीक है बाबा जी ने उसको एक तो इतने प्यार से बेटी कह रहा होना पहले तो वो ना आज़म होना, ठीक है मैं तो वैसे ही बड़ा डरता था कि अचानक कह ही ना दें कि काका बाबा चादर दो इसको मैं वैसे ही गायब था, मैं तो पहले ही उन्होंने कहा मेरे टेस्ट उस्ट कोई ना पाए, ठीक है तो मेरी बेगम को गारंटी दे के घर से निकले हुए थे कि काका तेरा ही है, उन्हें पता नहीं है ही एक जो गया था एक कितने सवाया था कोई चक्कर नहीं था, तो एक जो गया वो भी नहीं ड्यूटी करता पे देने की करना है, तो वो तो गारंटी ले के लेकिन
जहाँ वो ज़रा सा देखते थे कि अब इसका दिमाग ख़राब हो रहा है, ये हज़रत साहब कोई कलंदर शलंदर बंदर बनने लगे हैं, ये कलाबाजियाँ लाला के दिखा रहे हैं, उस दिन वो अचानक किसी ऐसी जगह ले जाते थे, वहाँ कहते छोड़ परे का की आज फिर हो जाए, ठीक है। वहाँ पे जेंट्री क्लास आपकी बैठी होती थी, मैंने सोचना बाबा जी यहाँ कैसे बात करेंगे, नहीं कैसे सूरह रहमान सुनवाएंगे, यहाँ ये चल के आ रहा है, यहाँ तो ये आपके सामने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो ये सारा कुछ चल रहा होता था, ठीक है। जिम खाना ही नहीं है, जिम खाना ही है, ठीक है। प्रेस क्लब जो लाहौर प्रेस क्लब है ना, इसमें बहुत अच्छे रेट पे खाना पीना मिलता है, ठीक है, सबको। तो वो पता तो होता नहीं था ये क्या, उस वक्त तो मैं हैरान हो जाता था कि अब इधर बाबा जी करेंगे कैसे, और अपनी जगह मैं, मेरे दांतों को पसीना आया हुआ है कि अचानक बाबा जी कहना दें कि डॉक्टर बाबा सबको बात करो ना, इन्हें दुआ कराओ, बताओ सूरह रहमान से मेरे, मैं पहले पीछे पीछे हो रहा होता था, ठीक है। वो शिकारी कुत्ते नहीं होते, तो उनमें अगर आगे देखे ना कि नहीं सूर बाबा ही बड़ा है, तो कई मेरे नाल दे छोटे जो होंगे ना, वो पहले ही बैक गेयर से जा रहे होंगे हौली हौली, या मालक दी लत्त वड़े होंगे ने। तो मैं उस दिन वैसे ही मोबाइल जिन उन्होंने लगा होना, मैं ठीक है, पहले जिस काकी के साथ आते हुए मुझे शर्म आ रही होनी कि क्या बाबा जी ने साथ कर लिए, ठीक है। बाबा जी ने जान के उसको कह भी देना घुंगरू जरा नए वो पहन लेना फलाने, वो पायल पता नहीं, वो छुन छुन की छन छन की आवाज़ें भी आनी, मेरे इस्लाम को भी खतरा होना कि जनाब ये ज़ोर से पायल की एड़ी की आवाज़ मार रही है, तो पर्दा उन्हें बाकी कपड़े भावे जो जो मर्जी पाए हूँ, मैंने पायल दे तो भी इस्लाम याद आ रहे होना कि इसकी छन छन की आवाज़ आ रही है। अब वहाँ महफिल में खैर कईयों ने फिर देखना, कईयों ने बाबा जी पे आवाज़ें लगाने, वाह बाबा जी चुप करके बस बाबा जो मिल गया बाबा, तू हुक्म था तो आ गया, तो ये था तो इसने कहा तो उसने कहा के सोने ने, एक अद्धा बंदा उनका अपना होता था, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर तो वो अपनाइयत का इजहार, जो सुडो जो मुनाफ़त है इस सोसाइटी में टॉप पे, तो आपस में गले लग गए थे ये करके, तो मुँह ना मुँह ला के यू नाउ स्वीच वॉल लुकिंग ग्रेट, ये वो हो रहा होंदा सी, कुछ गुची के बैग वेख रहे ने, सख्त हवादार हो रहा, चाबी घुमा रहा, कोई अपनी गड्डी विखा रहा, कोई चेन गोल्ड की मोटी सारी नाल बड़े, किसी ने सिगार फड़िया है, कोई बच्ची यो जी लिया है, कोई बच्चा हो जा लिया है। तो अचानक ही काकी साहब ने वो पैर शुरू करना, पहली बार जब हुआ तो मैं भी हैरान था होया कि ये, एक दो बार तो मैं उठने लगा कि शायद धमाल से निकालना है, भाई भाई आराम से बैठ, ठीक है। वो सारी हाहाकार मचा के बाद में जब गाड़ी में बैठे कहते काकी ने दुआ कैसी कराई, मैनू तो उदन पता लग गया दुआ सी। लेकिन जब उसके बाद रिजल्ट्स देखे उसी ब्यूरोक्रेट्स के, उन्हीं जनरल्स के, उन्हीं फॉरेन नेशनल्स के या फन्ने खानों के, तो चुप करके नीमे नीमे होके बाबा जी से पीछे पीछे, उसके बाद नहीं कभी बात की मैंने दुआ कराई तो ऐसे हुआ। वो काकी सामने आ जानी कि यार वो काकी ये चपेड़ की मार है, ठीक है, वो ये मैसेज दे रही है, वही जवाब आ रहा है, क्योंकि लैंग्वेज बाबा जी चेंज कर रहे थे उस माहौल के हिसाब से। जैसे अल्लाह कहते हैं पहले दिन उसने सबको इकट्ठा करके पूछा कि बताओ तुम्हारा रब कौन है, तो वो इस तरह की ज़ुबान में, इस लैंग्वेज में थोड़ी बात हुई थी। हम कोई वहाँ पे ऐ लाहौरिए खलोते ने, पंजाबी ने, ऐ चीको स्लाविकिया देने, ऐ कौन ने, ऐ रशियन ने, ऐ चीनी बोल रहे ने, जापानी बोल रहे, नहीं ये सारे इकट्ठे थे, तो वो कोई लैंग्वेज एक ही थी। वो कौन सी लैंग्वेज थी, ना उस वक्त ये वाले कान थे आपके, ठीक है, ना आपको इस तरह की लैंग्वेज समझ आ रही थी, लेकिन वो भी कोई मीडियम था। उस डिवाइन लैंग्वेज में भी बात हुई हुई है, ठीक है, और अब भी आपको इस सारे को आप ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। वो जानता है अल्लाह अपने बंदे को वो सेंस देता है, ठीक है, और वो कुरान में कह रहा है वो जो मेरे रास्ते पर चलता है फिर उसको मैं आइडिया बड़े ज़बरदस्त देता हूँ, ठीक है, उसको रास्ते में खुद सुझा देता हूँ। वो मुझे कहते काका, मैं कहा बाबा जी चक्कर, कहते यार सब फ्रॉड है, काका बाबा फकर मकर का नाम है फकर, ये डेफिनेशन ही जीप, वो भी खुद भी बिल्कुल नहीं। मैंने कहा बाबा जी ये क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ है, साले सारे के सारे ज़मीर के मुजरम। मुझे ना समझ आए कि काकी मुजरा नाच रही थी, ज़मीर उनका किधरू जाग गया, लेकिन पता नहीं वो क्या बीट होती थी, वो क्या फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है।
और वो काकी बिल्कुल वाकई वो ख्याल उस तरफ जाते ही नहीं था, एक अजीब से, बल्कि म्यूजिक बंद भी कर दो तो वो उसी बीट पे होती थी, बल्कि एक बार तो तीन काकियां तीनों इकट्ठी उसी बीट पे वो कर रही थी, लेकिन इर्द गिर्द ऐसे लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं नीचे होटल के फ्लोर पे सारे पड़े हुए। तो बाद में बाबा जी का क्या क्राइटेरिया था, जो साहब थे जो बीच में हमारा एजेंट था, जो बीच में कल्प्रेट था जिसने सारी महफिल भी जमाई और जो खुद वैसे शमाए महफिल थी लेकिन बाबा जी के एजेंट थे, उन्होंने जब बाबा जी को बताया कि बाबा जी वो जो फलाना है ना वो भी फुड़क गया है, वो भी अब नज़रें नीची करके बात करता है, फलाना भी बंदे का पुत्र हो गया, फलाने को खुदा याद आ गया, फलाने को ये हो गया, फलाना तंग नहीं कर फलाए, बाबा ने कहना चलो एक भी बात ले गया तो बाबा समझेगा काम हो जाएगा, मैं कहना बस एक दी गल करते फिर तो फकीर अल्लाह के राजों में से एक राज होते हर कोई नहीं समझ सकता, इतनी सी बात हमें बता गए, मैं हम बता रहे हैं उसमें ही आप लोग पता नहीं मुझे क्या समझी जा रहे हैं, हालांकि मैं वही बात बता रहा हूँ जो हीरा मंडी की काकी भी वही बात पर थी, सेम रिजल्ट है। नहीं सानू तो अजे भी नहीं समझ आती, ऐसी कदू क्या सानू समझ आती है, आपकी बात मुझे समझ आती है कि यार ये बात है और वो ऐसे लगता है कि वही बात है कि कारी नजर आता है तो हाँ तो अपने आप को पढ़े, आप सारे ही कुरान है, अल्लाह ने कहा नहीं वाल रहमान अल्लाह मल कुरान खलक अल इंसान, पहले कुरान का इलम दिया फिर उसने खलक किया, आपके अंदर है सॉफ्टवेयर सारों के, तो अपने आप को पढ़ना है ना, अपनी किताब को पढ़ना ठीक है, अपने आप को पढ़ें, अपने आप को पहचाने कि यार मुझे उसने किस कैपेसिटी में क्या है मेरे पास और मेरे से क्या ड्यू है, मैंने क्या करना है उसको, मैंने पहचानना है। और बीबी जुलेखा पा गई हैं उसको, ये लोग कहते हैं जी इश्क आज तक किसी ने नहीं पाया, वो मजाजी से हकीकी का ऐसा खूबसूरत सफ़र है उनका, बड़ी बहस छिड़ जाती है वो कोई बात है। मैं तो मुझे तो मैं पहली कहती हूं मुझे इल्म नहीं पता, मुझे जो जितना समझ आ रहा है ना लेट मी डू इट, आप किसी के साथ बहस डाल लेती हैं, बहस नहीं होती है लेकिन बहस नहीं करते बाबा जी, बहस के सर खिलाफ थे, वो जो आपको समझ आ रही है आप दूसरों को ना ठोसे, वो आप खुद ही समझ लें, वहाँ मुझे लगता है इधर ही शुरू हो गया सूरह रहमान के बाद, वो हर स्टेप हर लम्हा और फिर वो हो जाना और फिर आप दो स्टेप लिए नहीं होते कि तीसरे पे धड़ाम आप फिर नीचे गिरे होते, क्या बात गुजरने इधर आने, चलो जी ठीक है, बड़ी बात है आप इंग्लैंड से आके इस्लामाबाद बस गई हैं और इस्लामाबाद से लाहौर आना हर हफ्ते आपको अल्लाह आसान कर दे, आप वैसे ही वहाँ पे आप दुआ कराती जाए ना, याद रखने के लिए कि नहीं इधर जाए, दुआ का मैसेज देती जाए लोगों का भला करते हैं, बस वो तीन चार दिन गुजरे नहीं होते हैं, पहले मुझे डेज याद नहीं रहते थे कि आज सोचती थी सैटरडे को फ्राइडे बनाया होता था मंडे बनाया होता था, अपनी दुनिया थी, अब तो आप 10 साल चार पाई पे रही हैं, 10 से भी ज्यादा चार पाई, अब तो बिल्कुल डेड जैसे वो एंड होता है ना, वो डॉक्टर्स ने डायग्नोसिस क्या किया हुआ था आपको, फाइब्रोमायल्जिया आके वो भी अभी 10 साल की हिस्ट्री, उसके बाद मुझे नींद नहीं आती थी, ये तो सारी नेक लोगों की बीमारी है, बहुत ज्यादा तस्बीहात वज़ाइफ करने वाले इबादत गुजार लोगों के, मुझे तो ये लगता है जिस जिस बंदे के साथ वो आप कहते हैं ना, कहने में बड़ा ही अजीब लगता है कि किसी बड़े को ठुड्डा मारना, लेकिन ये मुझे यही समझ आता है कि नहीं कहने में शर्म आ रही है लेकिन करते वक्त शर्म नहीं आ रही, वो ये सारा मुझे जो यही लगता है कि ये सारा वही था, किसी बड़े की इज्जत नहीं करनी, छोटे को बात कुछ कर भी दिए तो जतला देना, ये जो बुत है पढ़ाई का भी बुत है, मैंने अपने बच्चों से भी माफ़ियाँ मांगी कि मैं तो इतनी जालिम थी उनको मारती भी रहती थी, उनसे भी माफ़ियाँ मांगी, अब्बू के पाँव में 10 साल मैंने अब्बू को देखा नहीं, अपने भाइयों को नहीं देखा, मेरा जिस्म तरस गया था, अब मिल लिया अबू से
सॉरी किया है उनसे, दर्दें ठीक हो गई हैं, फाइब्रोमाइलजिया ठीक हो गया है, इसका मतलब अब ये थोड़ा है कि आप अपना वेट गेन कर लें, ठीक है। आपका खामंद शिकायत कर रहा था मेरे से, वो कह रहे थे डॉक्टर साहब खुशी ना ले, ऐ काम नहीं होना चाहिए था। मैं कह ये भी आपके घर की बात है, आए इतना दिल दुखा हुआ था उनका, लेकिन सामने से कभी कुछ ऐसे, लेकिन उन्हें माफ कर दिया ना, नहीं किया था, लेकिन वही था कि एक साइड पे हो गए और बिल्कुल भूल भी गए। अब वो चलो याद है, दो साल ही नाराज रहे, लेकिन अब मुझे ये पछतावा, ये गिल्ट होता है, लेकिन उससे भी अल्लाह ने निकाल दिया और सीधे रास्ते पे ही रखे, यही अपने यही सीधा रास्ता। लेकिन अगर उन्होंने गुस्से से कोई बात कह दी, सास है तो बस जी हाँ कह दी, माँ की दस लपेट के हम चादरों में इधर उधर घुमा देते हैं, पता ना चले सास ने कहीं एक बात कह ही दी है, यार लेट इट गो, मुझे ही देख लो, लेट इट गो क्या है, जिस शोहर के साथ दिन रात रहना है उसकी माँ तो है। ये सारी बातें मेरी बातों से आपने सीखी है? मेरी तो सास मेरे पैदा होने तो पहले फौत हो गई, मैंने तो नहीं ऐसी कोई बातें की। मैंने उन्होंने मुझे देखा हुआ है, उनकी हुसन की सारा खानदान तारीफ करता है। तो मेरी अम्मी बताती हैं कि मेरे ददियाल में से शायद वो पहली दो तीन खवातीन में से थी जिन्होंने आके मुझे देखा था। वो मैं बेगम को छेड़ता होता हूँ कि उन्होंने उस वक्त ही पसंद कर लिया मेरे हुसन दे लश्कारे पे। तो उन्होंने पता चल गया कि बस तुम्हें यही, वो कहती है मैं तो पैदा ही नहीं हुई थी। फिर आई थिंक आई वाज इन क्लास 5 जब उनके मैंने सुना कि उनकी डेथ हो गई, मैं मिला नहीं, अब शायद देखा होगा, मुझे याद नहीं है वो। और लेकिन सास या ससुर माँ बाप ही होते हैं, दामाद और बहू बेटी बेटी होते हैं, समझे तो। लेकिन हम इंसान हैं, बस आपस में ऐसे ही हो जाते हैं जैसे पता नहीं कोई जंगो जदर देखते हैं, उन्हें यही लगता है, उन्हें तो आपकी फीलिंग से पता चलता है, आंखों से पता चलता है, ओ दिस इस पर्सन समवन जो मेरी माँ को हर्ट किया हुआ, या ये वो लोग हैं जो जालिम है, वो भी उनसे नफरत करना है। हाँ, वो भी नफरत शुरू कर देते हैं, वो नफरत उनके अंदर भी हम पहले ट्रीट करते हैं, एक उनके साथ शफकत और प्यार कर ही नहीं रहे होते पहले, अपने आप में इतने गुम हैं, तो उसके बाद उनके अंदर भी ये पहुंच देते हैं कि ये रिश्ते रिश्ते चूज करना शुरू कर देते हैं, ये रिश्ता आपका अच्छा है ये बुरा है, क्यों, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है अल्लाह ही नहीं है ना, जिस रिश्ते में अल्लाह ही नहीं है वो रिश्ता मैं कहती हूँ है ही खराब ही होना, रिश्ते में अल्लाह ये वही सारे जो हम फैमिली में ऐसे था, हम एक दूसरे के नाम भी नहीं सुनना चाहते, और वही बात है कि जब अल्लाह, जब आप अल्लाह के लिए एक कदम जाते हैं 10 कदम वाकई 10 से कई गुना मल्टीप्लाई होके वो वापस आता है, वही सारे रिश्तेदार हैं, वही सब कुछ है, इतना प्यार, इतना प्यार। और यही मेरी बीमारी थी कि मैं उन सबसे दूर थी, मैं वैसे पर्सनली मुझे देखा जाए तो मैं जैसे इकट्ठी रहूँ लोगों में या कहीं अपनी फैमिली में तो सब खुश हों, जहाँ लड़ाई ना हो मुझे वहाँ सुकून आता है, और इस चीज़ पे रोना आता है कि यार क्यों है ये लड़ाई, क्यों ये लड़ रहे हैं, इसकी फीस क्या देंगी आप पाकिस्तान को दुआ दे दें खैर, ये टाइम है अल्लाह की कबूलियत दा, अल्लाह खैर ही कर दे, खैर ही कर दे, खैर ही कर दे, पूरा पाकिस्तान पूरे मुल्क हिदायत के रास्ते पे ले, पूरी दुनिया को, पर बंदे को जो है वो इस रास्ते पे ले, ऐ हो जी दुआवां ना मंगो पूरी दुनिया दे, वो कोरोना ले आया ना एक दिन च सब नु हिदायत हो गई सी, ठीक है, एक दिन में ट्रंप भी कह रहा था ओ प्रे करो प्रे करो, वी आर लुकिंग टुवर्ड्स हिम, कम से कम हिदायत पे जाएंगे तो सही, कोरोना से जाएंगे, याद है वो टाइम, उसको मसला कोई नहीं है, एक मिनट में बस जरा सी जमीन हिलती है उसी वक्त, ये याद रखना वो है ना, ठीक है, वो है ना, वो है,
ठीक है, अल्लाह आप सबका आमीन हो। सलाम अलैकुम।